भाई बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रहा था और देखो सुबह सुबह एक्सीडेंट, इसके देखो ब्रेक मारने के भी कितने बड़े हुए। Hey guys, good morning, welcome back to the channel. So, क्या हाल चाल आपके? आई होप सभी बहुत बढ़िया होंगे, मैं भी बहुत बढ़िया। सो भाई आज वीडियो शूट कर रहा हूँ बिना नहाए धोए, जस्ट बिकॉज के मैं ना सुबह अपने बेटे को स्कूल छोड़ता हूँ तो उस टाइम तक रेडी नहीं हो पाता। तो आज रीजन ये था भाई, आज सुबह सुबह मैंने एक हादसा देख लिया एंड मोबाइल निकाल के वो शूट करना पड़ा, क्योंकि आपको अवेयर करना था कि हादसे अपनी वजह से ही नहीं होते, दूसरे की वजह से भी हो जाते हैं। सामने वाले ने, एक स्कूटी वाले ने ब्रेक मारे और भाई गाड़ी को उसमें जाके अपने आप भिड़ना पड़ा। कितने भी कोशिश करे उसने ब्रेक मारने की बट वो नहीं बच पाई। तो अल्टीमेटली गलती किसी की होती है और भुगतनी किसी को पड़ती है। तो भाई अपने आप तो सेफ ड्राइव करो करो, दूसरे वाले की ड्राइविंग पे भी ट्रस्ट मत करोगे। सामने वाला कैसी कर रहा है भाई, वो भी कुछ भी कर सकता। सो शुरुआत करते हैं भाई, और ये क्लिप देखो जो है, ये उसका एक नमूना है, मतलब एक एग्जांपल है कि किस तरीके से लोग ड्राइव कर रहे हैं आजकल, अपनी जान की परवाह नहीं करते। भाई बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रहा था और देखो सुबह सुबह एक्सीडेंट, इसके देखो ब्रेक मारने के भी कितने बड़े हुए हैं। मैं हो चुका हूँ नहा धो के रेडी एंड प्लान अभी यही है कि अभी बच्चों को स्कूल वगैरह से लेके आके फ्री होके शाम का आज हमारा प्लान है जो ये G20 सबमिट हो रहा है दिल्ली में, इसकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन करी है, मतलब बहुत अच्छा सजाया हुआ है दिल्ली को, लाइटिंग बहुत अच्छी है। सो शाम को चलेंगे, वो देख के आते हैं और जितना खूबसूरत लगेगा जैसा दिखेगा वो मैं आपको डेफिनेटली दिखाने वाला हूँ और बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है। सो प्लीज़ स्किप मत करना एंड नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को, तो शाम को ज़रूर दिखाऊंगा। फिलहाल आज के दिन का तो ऐसा कुछ हुआ है नहीं मेरे पास एंड मैं सोच रहा हूँ आज थोड़े काम निपटा लूँ तो वो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा हेक्टिक रहने वाला मेरा ऑफिस का भी, मतलब मेरा जो वर्क फ्रॉम होम वाला है सो उसका भी थोड़ा बिजी होने वाला है। टाइम हो गया है 1:30 एंड जो भी होगा शाम को आपको अपडेट दे दूँगा। सो गाइस टाइम हो गया रात के 9:00 और मैंने पूरा दिन आज कुछ नहीं किया, मैं जस्ट इंतजार करता रहा इस भाई का, ये रहा जो मैं दिख रहा देख नहीं रहा सही भाई मैं ये बताओ पहले मैं कैसा लग रहा हूँ? नहीं बढ़िया लग रहा। तो भाई फिलहाल मैं सच बताऊं तो मैं जा कहाँ रहा हूँ और क्या मेरा प्लान है, भाई मेरा प्लान है DJI का ड्रोन लाने का। अब पूछोगे रात को 9:00 कहाँ DJI का, भाई मैंने उस बंदे को टाइम दिया हुआ था, मेरे को जाना था 7:00 बट मैं इसकी वजह से लेट हुआ तो मेरे को 9:00 जाना पड़ रहा है। तो उसके पास पहुंच के भाई से ड्रोन पिक करना, पेमेंट करनी है एंड पेमेंट करके भाई ड्रोन लेके आना है। DJI का ड्रोन ले रहा हूं भाई, आप लोगों के लिए ले रहा हूं भाई, देख लो सच बता रहा हूं। तो वीडियो को देखा करो तो भाई लाइक कर दिया करो और सब्सक्राइब कर दिया करो, लोग तो चैनल पे जब मोनेटाइज हो जाता है पैसे कमा के लगाते हैं, कमा के लगाते हैं, हम अपनी जेब से लगा रहे हैं भाई आप लोगों का प्यार पाने के लिए। तो देख लो भाई कैसा कितने जतन कर रहे हैं, आप लोग प्यार देने रहे हो, अरे थोड़ा प्यार भी लुटा दो, कब तक दूसरों को लुटाते रहोगे? यादव जी तो हमारे है फेमस, थोड़े से वर्मा जी को फेमस कर दो, वर्मा जी की होते हम सो भाई प्लान यही है, शर्मा जी को करो इनको। तो भाई ड्रोन लेने के लिए जाते हैं, ड्रोन लेके आऊंगा और बताऊंगा कि मैंने कौन सा लिया है, तो उसकी भी अनबॉक्सिंग वीडियो आएगी तो जब भी आपको बताऊंगा, वैसे आपको पता ही लग जाएगा इसी वीडियो में कि कैसा है, कौन सा है और कौन सा लिया। ये GPS बोल रहा है हमारा, वो डायरेक्शन लगाई हुई है तो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग चल रहा है, तो माइंड मत करना। सो लेट्स गो एंड ड्रोन लेते हैं भाई आज, मैं खुश नजर आ रहा हूँ ना, मैं ऐसा ही खुश था जब मैंने इजी का लिया था बट भाई जब मैंने इजी का लिया ना और लेने के बाद जो मैंने मतलब पत्थर रख लिया था दिल पे, मैंने कहा गए 50-55 हजार, बहुत दुख हुआ था भाई, बहुत दुख हुआ था। सो भाई मैं ना बहुत दिनों से ड्रोन लेने की सोच रहा था, मैंने DJI का सोचा था कि मैं लूंगा बट मेरे को ना ऑनलाइन मैं अमेजोन पे देख रहा था तो मुझे एक IGI कंपनी करके एक ड्रोन था वो मेरे को मिल गया, तो
मैंने वो मंगा भी लिया, मंगाने के बाद भाई उसको देख के ऐसा मत्था खराब हुआ, मैंने वो रिटर्न भेज दिया। 55,000 इन्वेस्ट किए थे एंड भाई मैं टेंशन में, मैंने कहा अब क्या होगा भाई इन 50,000 रुपए का। खैर थैंक्स टू सचिन एंड थैंक्स टू अमेजोन भाई, उन्होंने मेरा पैसा रिफंड कर दिया। और जैसे ही पैसा रिफंड हुआ भाई, आज सुबह से मैं इसी काम में लग रहा हूँ। मैं मतलब ना कुछ नहीं किया मैंने पूरा दिन में, कुछ भी ना व्लॉग बनाया ना कुछ और काम किया, बस मैं उस बंदे से कॉन्टेक्ट में था, बात किए जा रहा था कि कैसे भी करके वो मेरे को मिल जाए। अल्टीमेटली उसने मेरे को टाइम दिया कि भाई मैं रात को 9 बजे के करीब आ जाऊंगा और आप ले लेना। मैंने कहा ठीक है भाई, क्योंकि कल हो जाता सैटरडे एंड सैटरडे को मैं कोई नई चीज़ लेता नहीं हूँ, सो इसलिए मैंने सोचा कि भाई उनसे बात कर लेते हैं। और वो 9 बजे मेरे को बंदा मिल गया एंड 9 बजे में एग्जैक्ट 9:15 में यहाँ पे पहुंच गया था। और अब टाइम हो रहा है 10:32। जी हाँ मैंने भाई वो ड्रोन ले लिया और अब आपको जितने भी ब्लॉग्स मिलेंगे उसमें सिनेमैटिक शॉट मिलेंगे जबरदस्त वाले। भाई एक बार ड्रोन दिखा दो कैसे हैं भाइयों को दिखा दो। तो भाई ये है वो ड्रोन DJI Mini 3 देखो ये मेरे से ज्यादा खुश है मेरे भाई है। तो भाई मैं जहां भी जाता हूँ मैं सचिन और इसे साथ ले जाता हूँ। मैंने कहा मेरे भाई साथ में चलो, सामान लेके आएंगे, जो भी कैमरा खरीदा उसके लिए गए, अब पहला ड्रोन खरीदा वो इसके साथ खरीदा, व्लॉग बनाते हैं तो साथ बनाते हैं, तो मतलब हम मोस्टली काम साथ में करते हैं जो करने वाले होते हैं, सारे नहीं। सो अब ड्रोन खरीद लिया भाई, इसकी अनबॉक्सिंग घर पे जाके दिखाऊंगा कैसा है कैसा नहीं है। वहां मैंने ट्राई कर लिया था, चला के देख लिया था, इतना टाइम नहीं था क्योंकि मैं उनके घर से मैंने पिक किया है, तो इतना टाइम नहीं था कि मैं वहां पे अनबॉक्सिंग इसकी कर सकूं, या मतलब वहां टेंशन इतनी थी कि बस चेक करके निकलना था। सो मैं फाइनली वहां से चेक करा और अब मैं निकल गया हूं। अब मैं जा रहा हूं घर, पहले सचिन को छोड़ूंगा और फिर वहां से फिर मैं अपने घर आऊंगा, तो थोड़ा सा टाइम और लगेगा। अभी 10:30 हुए हैं तो अप्रॉक्स में 11:30 तक अपने घर पहुंचूंगा। एंड फाइनली भाई ड्रोन ले लिया तुम्हारे भाई ने, बहुत टेंशन थी मुझे इसकी। तो अब आपको सिनेमैटिक शॉट देखने को मिलेंगे, जल्दी मैं जा रहा हूँ भाई मसूरी की, मैंने प्लानिंग कर ली है, मसूरी के होटल्स वगैरह सब कुछ बुक करा दिए हैं, तो जल्दी निकलते हैं मसूरी के लिए। डेट्स अभी फाइनल नहीं हुई, वो तो गई बट अभी डिसाइड नहीं है कि उसी उन्हीं डेट्स को, क्योंकि मैंने कंफर्म जो की है वो टेंटेटिव डाला है अभी, तो प्रॉपर डेट्स नहीं डाली क्योंकि मार्केट के ऊपर है कि मार्केट कैसा रहता है, तो या तो पहले चला जाऊंगा या तो 4 तारीख को निकलूंगा या फिर मैं निकलूंगा 12 तारीख को, क्योंकि 3 दिन का जो बीच में गैप आ रहा है ना, इसमें प्रॉब्लम ये है कि निकलने देंगे या नहीं। अगर नहीं निकलने दिया, जो G20 वाला सबमिट वाली जो छुट्टी है, अगर नहीं निकलने दिया तो मेरा पैसा ब्लॉक हो जाएगा, सो मेरे को उस चीज़ की बहुत ज़्यादा टेंशन है, तो मैंने अभी थोड़ा सा ऐसे ही रखा है, तो देखते हैं जैसा भी होता। और अभी फिलहाल घर जाके मिलता हूँ आप लोगों से और दिखाता हूँ ड्रोन कैसा है। सो चलो, सो फाइनली भाई मैं आ गया था अपने घर और नहा धो के अभी जस्ट फ्रेश होके आया हूँ। एंड ये रहा मेरा TJI 3, तो मैंने ले लिया भाई ये। एंड इसकी अनबॉक्सिंग मैं आपको जल्दी दिखाऊंगा, फिलहाल मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या है इसमें। फ्लाई मोर कॉम्बो है ये, इसमें आप मिला है मुझे 2 बैटरी एक्स्ट्रा और मतलब प्रोपेलर वगैरह सब ये चीज़ें एक्स्ट्रा मिली हैं इसमें। एंड अच्छा लगा था मेरे को तो मैंने यही ले लिया। एंड जल्दी आपको इस पर जो वीडियोज़ आएंगी मैं आपको वो भी दिखाऊंगा, इसके जो सिनेमैटिक शॉट्स हैं वो भी दिखाऊंगा, अनबॉक्सिंग वीडियो। तो अनबॉक्स तो मैंने कर ही लिया बट प्रॉपर अनबॉक्सिंग वीडियो मैं आपको इसकी दिखाऊंगा एंड इसको उड़ा के भी दिखाऊंगा। तो सो फिलहाल ये है भाई कुछ इस तरीके का इसका बॉक्स है, फिलहाल बॉक्स देखो। एंड ये वाला लिया है फ्लाई मोर कॉम्बो, फ्लाई मोर कॉम्बो कहाँ लिखा है ये। सो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पेंट, मैं इसे चार्जिंग पे लगा दूं। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में यानी कि कल, टिल देन ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।